वालेकुम, वेलकम टू फूड इट सिंपली। आज हमारे किचन में बन रही है मार्बल ब्रेड पुडिंग, जिसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: 4 पीसेस ब्रेड के, 1 कप चीनी, 1/2 कप कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून चाहिए जेलेटिन पाउडर और 1/2 लीटर दूध चाहिए हमें। और ये हम बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी के से बनाएंगे और बहुत ही यमी ये रेसिपी है। सबसे पहले हमने चारों पीसेस जो हैं उनके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेने हैं, अच्छे तरीके से इसके स्लाइसेस कर लें। इसके साइड जो हैं उनको काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ सारे का सारे स्लाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़ाया नहीं होगा। ये चारों स्लाइसेस अच्छी तरह से काट के इसको हम डाल लेंगे ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। ब्लेंडर में डल जाएंगे तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड होने के बाद इसको हम ब्लेंडर को चला देंगे और जैसे ही 1/2 लीटर दूध है ये जो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जैसे ही जो है ये सारा मिक्सचर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, यकजान हो जाएगा, दूध और ब्रेड जो है वो बिल्कुल थिन सी हो जाएगी, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे एक पैन में। पैन में निकालने के बाद आग जलाने से पहले हम इसको अच्छे तरीके से वैसे ही मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसको हम ज़्यादा गर्म होने से पहले इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी, जो कि 1/2 कप है। वो डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ ही हम इसके अंदर जो 1 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर है वो भी ऐड कर देंगे। जेलेटिन पाउडर डालने का मकसद ये है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए। जैसे ये थिक हो जाएगा तो हम ये इसकी आग बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम 2 पोर्शंस में सेपरेट कर लेंगे। इक्वली सेपरेट करना है 2 पोर्शंस में। 2 पोर्शंस में सेपरेट इसलिए करना है कि इसको हमने एक में कोको पाउडर डालना है, क्योंकि ये हमारी मार्बल ब्रेड पुडिंग है, इसके लिए हमें 2 पोर्शंस में इसको सेपरेट करना होगा। एक में हमें कोको पाउडर ऐड करना है। ये जब मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी। कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा मिक्सचर, यानी कि ये ब्रेड पुडिंग जो है वो और कोको पाउडर दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को लोफ पैन जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये दोनों मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम डालेंगे सिंपल मिक्सचर। पैन को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ऑयल के साथ कर लेंगे ग्रीस, ताकि ये बाद में इसके साथ चिपके नहीं। सबसे पहले डालेंगे प्लेन मिक्सचर। प्लेन मिक्सचर डालने के बाद अच्छे से इसको प्याली को साफ कर लें। ये डालने के बाद टैप टैप हम करेंगे पैन को, ताकि ये अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए, पैन के साथ भी जुड़ जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर वाला मिक्सचर, जो कि हमने सिर्फ सेंटर में ही डालना है। उसके अंदर डाल के अच्छे से सेंटर में ही डालेंगे, इसलिए इसके मार्बल्स जो हैं वो अच्छे बन जाते हैं। सेंटर में डालने के बाद इसके अंदर हम टूथपिक के साथ इसको अंदर तक इस तरह से इसके डिज़ाइंस बना लें, जैसा आपको अच्छा लगे। ये इजीली बन जाता है, ये इस तरह से हो कि अंदर तक जाए और इसका जो है नीचे तक, इसके ये जो लुक है अंदर तक आएगी, नीचे तक। ये करने के बाद इसको हम रख देंगे कुछ देर फ्रिज में, रखते हैं 45 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखते हैं, या फिर आप इसको अगर ज़्यादा चिल करके खाना चाह रहे हैं तो इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। हमारा ब्रेड पुडिंग तैयार है।